इसका प्राइस है 3,75,000। 3,75,000 में भी आपको मुजफ्फरपुर में बुलेरो मिल जाएगी। 2,75,000 प्राइस है, चारों टायर गाड़ी में नया लगा है। इसका प्राइस है मात्र 1,25,000, 1,50,000 प्राइस है। 1,50,000 रुपए प्राइस है, 1,60,000। 1,60,000 लेने का आप मन बना के आइएगा तो 3 के आसपास छूट जाएगा। अगर पिकअप ठीक है, इसका प्राइस है 3,50,000, 3,50,000 रुपए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का रोमिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि हमें दिखाइए कमर्शियल व्हीकल, उसमें भी दिखाइए हमें पिकअप और टाटा एसी वगैरह। तो आप देख सकते हो पीछे बहुत सारी पिकअप यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि आपको अगर लोकेशन की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो लोकेशन है गोपी कार बाज़ार मुजफ्फरपुर। आप लोगों की भारी डिमांड आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक कवर की जाए यहाँ पे की वीडियो फिर से, जहाँ पे कि आपको बहुत सारी पिकअप दिखाई जाए। तो आप देख सकते हो पिकअप की अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे बहुत ही सारी है। यहाँ से अगर शुरू करोगे तो आप देख सकते हो सारा ही पिकअप ही लगा हुआ है। तो जो पिकअप आप लोग डिमांड करते हो, तो आज आपकी वो सारी कमी यहाँ पे पूरी हो जानी है, क्योंकि यहाँ पे एक दो पिकअप में बात नहीं होती भाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे मतलब पिकअप की जो लाइन है ना, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और ऐसा नहीं है कि बस आपको पिकअप देखने को मिलेगा, अगर आपको स्कॉर्पियो S4 वगैरह चाहिए या फिर बोलेरो चाहिए, तो हर एक रेंज की आपको बोलेरो भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। ओमनी चाहिए, ओमनी भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। बाकी अगर हम लोग बात करें ईश्वर भी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोलेरो वगैरह भी सब कुछ लगा हुआ है। और यहाँ पे 2 ट्रैक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रैक्टर, बोलेरो, पिकअप, कमर्शियल व्हीकल हो गया, यहाँ पे प्राइवेट नंबर स्कॉर्पियो बोलेरो भी देखने को मिलेगा। तो मतलब वैरायटी ऑफ यूज्ड कार देखने के लिए तैयार हो जाइए। गोपी कार बाज़ार की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ के वीडियो हमेशा ही अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। और पिकअप लेने का सपना यहाँ से काफ़ी सारे भाइयों का पूरा हुआ है, तो इस वाले वीडियो से भी बहुत सारे भाई परचेस करने वाले यहाँ से गाड़ी, तो उनको पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोल दूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी फिलहाल हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बुलाते हैं यहाँ के प्राउड ऑनर को, जो कि हमें देंगे सारी गाड़ी की डिटेल, जो कि है रितेश भैया। तो उनका वेलकम करते हैं अपने इस चैनल पे और उनसे जानते हैं हर एक गाड़ी की डिटेल। रितेश भैया, तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। एक बार हमारे भाइयों को हेलो कर दीजिए। हेलो। और आज क्या स्टॉक, क्या दमदार स्टॉक लेकर आए हैं आप? स्टॉक में आज आपको हम ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ी दिखाएंगे। ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ी, बिल्कुल। तो ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ी आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिहार में भैया आपके जितना कमर्शियल गाड़ी कहीं एक साथ इतना नहीं दिखा है, तो आप वो चीज़ देख सकते हो यहाँ पे। आप अगर स्टॉक की बात करें ना, तो यहाँ से वहाँ तक बस पिकअप ही लगी हुई है और कुछ ट्रक वगैरह जो होती है भैया छोटी वाली। 407 है, ठीक है। स्टार्टिंग प्राइस भी आपके यहाँ कितने से हो जाती है? मतलब अगर सबसे कम बजट की कोई कार लेनी चाहे तो कितने तक में मिल जाता है आपके यहाँ? 1,25,000 पे आज अवेलेबल है। पहली गाड़ी कौन सी हो? पहली है टाटा के 407। टाटा 407, थोड़ा सा डिटेल हमें दे दीजिएगा भैया। 2015 मॉडल गाड़ी है। 2015 का मॉडल है। पेपर टोटल कंप्लीट है, प्रदूषण तक कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। डल्ला भी कंप्लीट है इसका, टायर नया है पीछे। बहुत बढ़िया भैया, 2015 लास्ट का गाड़ी है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। 25 प्राइस है, 6,25,000 में। हाँ। टाटा 407 BR34 भैया, नंबर कहाँ? खगड़िया नंबर गाड़ी हुआ, ठीक है। खगड़िया का नंबर। हाँ। है, बिल्कुल खगड़िया का नंबर है। पास से आप थोड़ा सा देख लीजिए गाड़ी की कंडीशन, एक एक करके सारी गाड़ी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। टायर से आप देख सकते हो अपोलो के टायर है, फ्रंट प्रोफाइल आपके सामने है। टाटा की 407 लोडिंग कार है और एक लाइन से लोडिंग कार ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारी आज की पहली गाड़ी, अगले पे आते हैं। रितेश भैया इसके बारे में थोड़ा बताइए। 2017 मॉडल बोलेरो पिकअप FB गाड़ी है, ठीक है। इसका पिकअप मेन ज्यादा वैल्यू है इसका डल्ला का इसका कम नया बना है अभी, ठीक है। पेपर टोटल कम्प्लीट है, ठीक है। इसका प्राइस है 5,75,000। 5,75,000 2017 मॉडल, 5,75,000। पेपर वगैरह में किसी तरह की परेशानी नहीं? नहीं, कोई तरह की परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। नंबर भी एक बार बता दीजिए। बेगूसराय BR09
बिल्कुल, डल्ला भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि भैया बता रहे कि इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू रखता है डल्ला रखता है। 575/17 मॉडल आप देख सकते हो, 575/17 मॉडल डल्ला से आप देख लीजिए। पीछे से आप देख सकते हो गाड़ी को, बिल्कुल टायर भी आप देख सकते हो यहाँ पे, और जो नीचे का बॉडी का पोर्शन है वो भी आप देख लीजिए, और सारा कुछ मतलब केबिन वगैरह भी आप देख सकते हो। बहुत ही करा के देते हैं, टोटल काम सारा कुछ करा, अपना वर्कशॉप है। बिल्कुल अपने वर्कशॉप में पूरा काम करा कर भैया यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं। 5 लाख कितना बताया अभी आपने? 5,75,000। अगर YouTube से हमारे भाई आते थोड़ा बहुत हो जाएगा कम, करते भी। हाँ चलिए, ये बहुत गया YouTube से आपका, हम कर देते हैं। चलिए तो हमारे मतलब जितने भी भाई जुड़े उनको फायदा मिलता है, तो आकर रेफरेंस दीजिएगा। अगले पे हम लोग आते हैं भैया इसके बारे में। और ये 2013 मॉडल पटना नंबर गाड़ी है, बोलेरो पिकअप, ठीक है। इसका प्राइस है 3,50,000, 3.5 लाख रुपए, ठीक है। तो मात्र 3.5 लाख रुपए में भी 2013 मॉडल महिंद्रा का यहाँ पे आप देख सकते हो पिकअप लगा हुआ है। कंडीशन वाइज मैं आपको दिखा दूँ, टायर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और इसका भी दिखा देते हैं पीछे से आपको डाला वगैरह, ताकि आपको नॉलेज मिले कि किस तरह की कंडीशन में यहाँ पर पिकअप लगी रहती है। तो आप देख सकते हो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, और बाकी यहाँ पे आप देख ही सकते हो गोपी कार बाजार, तो सारा कुछ आप देख लिए हैं। तो ये थी हमारी आज की तीसरी गाड़ी। भैया अगली कौन सी है? अगली है 2014 मॉडल बोलेरो पिकअप, 2014 मॉडल, ठीक है, नंबर गाड़ी है, बहुत बढ़िया। इसका भी डल्ला टायर सब कंप्लीट है, ठीक है। 4,25,000 प्राइस है, 4,25,000, ठीक है। 4,25,000 में आप देख सकते हैं यहाँ पे बेगूसराय नंबर है, और टायर वगैरह सारा कुछ कंप्लीट है, पेपर वगैरह सब कुछ कंप्लीट मिलेगा, सब कुछ कंप्लीट करके आप देंगे, करा के देते हैं। चलिए ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ हर एक गाड़ी को दिखा देता हूँ, क्योंकि यार दिखाने लायक गाड़ी भी है, बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। डाला वगैरह की अगर हम लोग बात करें इस वाले गाड़ी की, तो आप देख सकते हो सारा कुछ आपके सामने है, बैक प्रोफाइल आपके सामने है, पूरा पेंट वगैरह सब कुछ कराया है, क्योंकि भैया इसमें थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है। हाँ। बिल्कुल, अगर मेंटेन करके अगर आप नहीं रखिएगा तो फिर वो जंग वगैरह पकड़ लेता है, तो वो सही चीज़ नहीं होता है। तो आप देख सकते हो ये हमारी आज की चौथी गाड़ी थी, अगले पे हम लोग आते हैं भैया। ये 2019 मॉडल बोलेरो पिकअप है, ठीक है, मात्र 28,000 चली हुई है, ठीक है। 6,50,000 प्राइस है इसका, 6,50,000 2019 मॉडल, 2019 का है ये, मात्र 31,000 चली हुई गाड़ी है, मात्र 31,000 चला है, 2019 का मॉडल है। ऑनर भैया? ऑनर फर्स्ट है। अच्छा, ये जो हमने दिखाया चार पहले इसके, लगभग गाड़ी फर्स्ट ऑनर है, लगभग गाड़ी फर्स्ट ऑनर है, ठीक है, लगभग गाड़ी फर्स्ट ऑनर ही आपको मिलती है। बाकी इसमें भी आप देख सकते हो डाला, तो भैया इसमें भी मतलब एकदम सेम मिलेगा, कंप्लीट करके मिलेगा, बिल्कुल। तो डाला आप समझिए कंप्लीट ही मिलेगा, बाकी आप सामने से देख लीजिए 2019 का मॉडल है। रेट भैया ने बता दिया है, थोड़ा बहुत कम आप लोग करा लीजिएगा। अगले पे हम लोग आते हैं भैया। ये 2017 मॉडल बोलेरो पिकअप है, ठीक है। इसका 5,50,000 प्राइस है, 5,50,000, ठीक है। डल्ला टायर केबिन सब कंप्लीट है, सारा कुछ टोटल। चलिए बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ कंप्लीट मिलेगा, आप देख ही सकते हो। बाहर से भी आपको पता लग रहा होगा, टायर वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी दिखा दीजिए कस्टमर को, बिल्कुल दिखा दीजिए, ठीक है। अब सारा कुछ देख ही लीजिए, पीछे वाली टायर आप देखिए, और बॉडी की अगर बात करें तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। 5,50,000, ठीक है, थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाएगा, बाकी आप पीछे से देख सकते हो बॉडी। और ये वाली अगर रह गई थी इस वाले पिकअप की, तो ये भी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टायर वगैरह आप देख सकते हैं, सारी गाड़ियों का टायर एकदम कंप्लीट मिलेगा आपको, बॉडी बात कर ले केबिन वगैरह वो भी कंप्लीट मिलेगा, और डाला का आपने देख ही लिया कंडीशन, पेंट वगैरह सब कुछ करा के यहाँ पे ओके करके रखा जाता है। अगले पे आते हैं भैया, इसका नंबर आप बता दीजिए। दरभंगा नंबर गाड़ी है, बोर्ड वहाँ लगा हुआ है इसका। अच्छा ठीक है, 2015 मॉडल गाड़ी है, इसका प्राइस है 5,00,000 रुपये, 5,00,000 गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बहुत कम चली हुई है, इसका बॉडी भी नया है, टायर अपडेट है, ठीक है, टोटल पेपर कंप्लीट है, टोटल पेपर कंप्लीट है, टायर से मजबूत है, बॉडी भी अच्छा है, और दरभंगा का नंबर है, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी टायर भी MRF का है, ऐसा नहीं कि कोई सा भी टायर हो, MRF का टायर है, आपको इसमें भी मैं दिखा देता हूँ अच्छे से भी, तो पीछे वाले भी टायर आप देख लीजिए, और अगर रही बात डाला की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सारा कुछ जैसा कि भैया ने पहले ही बताया हुआ कि भैया सारी गाड़ियों को कंप्लीट करके यहाँ सारा कंप्लीट करके देते हैं, बिल्कुल, ताकि लेकर जाए वो अपना काम करना शुरू कर दे, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, ट्रांसफर वगैरह के बारे में भी सब करवा देते हैं सारा कुछ? हाँ, पूरे बिहार में ट्रांसफर कराते हैं, कई किसी डीटीओ का हो, ठीक है। बाकी अभी हम लोग फाइनेंस के बारे में जिक्र कर लेंगे, वीडियो के आखिरी में वो बात जिक्र होगी, एड्रेस क्या है वो भी बातें हो जाएंगी। अगले पे हम लोग आते हैं भैया BR09 अगेन। ये हो गई 2012 मॉडल बोलेरो पिकअप, ठीक है, बेगूसराय नंबर गाड़ी है, ठीक है। इसका प्राइस है मात्र 3,25,000, 3,25,000, ठीक है, 3,25,000 की भी पिकअप यहाँ पे आपको मिलेगी। और अगर आप थोड़ा बहुत लेने का मन बना के आइएगा तो 3 के आसपास छूट जाएगा, अगर आप चाहिएगा तो नेगोशिएट करा के, है कि नहीं भैया? बिल्कुल, बेगूसराय का ही नंबर है, देख सकते हैं, बॉडी वगैरह देख के कोई कह नहीं पाएगा कि 2012 का है ये,
टायर आप देख लीजिए और आपको मैं दिखा दूँ इसका भी, बाकी यहाँ पे डाला वगैरह मैं आपको दिखाऊँ अगर इस वाले पिकअप का, तो इसका भी आप देखिए, तो पूरा नीट एंड क्लीन मिलेगा, पेंट वगैरह सब कुछ कराया हुआ है, मतलब पूरा काम कराया हुआ है, क्योंकि भैया ने एक अलग अपना वर्कशॉप ही बना लिया जहाँ पे सारी गाड़ियों का काम करा के उसके बाद यहाँ पे अपने कार बाज़ार गोपी कार बाज़ार में खड़ी करते हैं हर एक गाड़ी को। तो ये आपने देख लिया बेगूसराय नंबर 3,25,000 रुपये की डिमांड है 2012 का मॉडल। अगली गाड़ी BR10 भैया, ये तो भागलपुर का नंबर है। हाँ, ये भागलपुर नंबर, ये एक्स्ट्रा लगेज पिकअप हुआ है। एक्स्ट्रा लगेज, ये सब पिकअप जो है ना ये 8 फीट बॉडी में है। अच्छा, ठीक है। और ये पिकअप है 10 फीट बॉडी में, मतलब सामान वगैरह सारा कुछ ज्यादा लोड होगा। अच्छा, पासिंग ज्यादा है। 5 लाख रुपया 5 लाख रुपए। कौन से साल? 2017 का मॉडल है। ऑनर फर्स्ट आएगा? फर्स्ट ऑनर है। ठीक है, ऑनर फर्स्ट आएगा, आप देख सकते हो 2017 का मॉडल। और यहाँ पे अगर बात करें तो आप देख भी सकते हैं पावर स्टेयरिंग भी आपको मिल जाती है, टायर आप देख सकते हो, बाकी फ्रंट प्रोफाइल आपके सामने है। एक चीज़ भैया और बताइएगा हमें कि गोपी कार बाज़ार से अगर कोई भी भाई गाड़ी लेकर जाते हैं तो उनको ये तो डर नहीं रहना चाहिए कि एक्सीडेंटल कार में? नहीं नहीं, वैसा गाड़ी हम कभी नहीं खरीदते हैं। कभी नहीं खरीदते हैं, चलिए ये बहुत अच्छी गाड़ी को अपना वेरीफाई करा के तब ले सकते हैं। बिल्कुल, अब सब चीज़ का जाँच हो जाता है, पता चल जाता है किलोमीटर बॉडी, ठीक है, सब पता चल जाता है। अच्छा, उसके बाद वेरीफाई होकर तब गाड़ी लेंगे। ठीक है, तो मतलब एक तो भैया बता दिए कि यहाँ पे एक्सीडेंटल कार में डील की नहीं जाती है। नहीं नहीं, कभी नहीं। चलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप देख सकते हो, बाकी इसमें भी मैं आपको दिखा दूँ बॉडी वगैरह सारा कुछ, आप देखते जाइएगा। और बाकी यहाँ पे आप केबिन भी देख सकते हो, साफ सुथरी आपको मिलेगी। और रही बात अगर बैक प्रोफाइल की, तो पीछे से भी देखना बनता है, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो पीछे से डाला वगैरह आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो जो कहते हैं कि घस गया हो या फिर कुछ भी, तो सारा आपके सामने है। BR10 भागलपुर का नंबर है। आ जाते हैं अगली कार की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगली कार क्या बोले यार, अगली पिकअप की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि आज तो भैया ने पिकअप की रेल लगाई हुई है, पिछली बार भी था, इस बार और ज्यादा हो गया। हाँ, कम है और ज्यादा। अच्छा, गाड़ी वर्कशॉप में लगा हुआ है। ठीक है, वर्कशॉप में लगा हुआ है। बिल्कुल, आगे भी एक और लगा हुआ है, ये 2016 के लास्ट का बोलेरो पिकअप है। ठीक है, 5,25,000 2016 का लास्ट है। नंबर भी हमारे, बिल्कुल इसी शहर का, जिस शहर में हम लोग खड़े हैं उसी शहर का नंबर है BR06 और 2016 का लास्ट का है। देख सकते हो आप कंडीशन वाइज, आप पहले देख लीजिए, मैं घूम जाता हूँ गाड़ी के चारों ओर ताकि आपको पता लगे। टायर वगैरह भी आप देख सकते हो, यहाँ पे अपोलो का टायर है। बाकी हम लोग बात करें साइड प्रोफाइल की, तो वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। बाकी आप पीछे से भी देख सकते हो BR06, जैसा कि हमने बताया था कि आपके शहर मुजफ्फरपुर की गाड़ी है ये। बाकी हम लोग आते हैं अगले पिकअप की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि अगली कौन सी है, कौन से साल की है, क्या डिटेल है, वो सारा कुछ अभी हम लोग ले लेते हैं। तो ये भी BR09 बेगूसराय का नंबर है। भैया थोड़ा सा डिटेल हमें, 14 मॉडल बोलेरो पिकअप है, इसका टोटल पेपर और गाड़ी कंप्लीट है। बहुत बढ़िया, प्राइस है 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये, ठीक है। तो देख सकते हो 3.5 लाख की भी हमने दिखा रखी है और यहाँ 4 लाख रुपए की भी आपको बोलेरो पिकअप दिख रहा है। बाकी इसमें भी आप टायर देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप लेकर जाइएगा तो एकदम हड़बड़ी में चेंज कराना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंडीशन वाइज आप देख ही सकते हो, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, अभी आपने सामने से देख लिया है। बाकी एक बार मैं आपको पीछे से इसका डाला भी दिखा देता हूँ। पीछे से अगर हम लोग बात करें तो आप पीछे से भी देख सकते हो सारा कुछ, बॉडी वाइज या फिर जो डाला वगैरह भी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंडीशन इस वाले भी पिकअप का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अच्छा ही मिलेगा, आपने देख भी लिया है। तो पिकअप के लिए आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो ऑलरेडी हमने देख सकते हो यहाँ पे गोपी कार बाज़ार की पूरी स्टॉक यहाँ पे पिकअप की हमने दिखा दी। अभी और बचा भी हुआ है, प्राइवेट कार भी भैया यहाँ पे तो लगी हुई है। बिल्कुल, उस पर भी हम लोग जाएंगे, उससे पहले यहाँ पे आते भैया मेगा एक्सल। और ये मेगा एक्सल हो गए पिकअप और टाटा एसी के बीच का चीज़ है। ठीक है भैया, इसका 18 मॉडल गाड़ी है, 3,40,000 प्राइस है, मात्र 42,000 चली हुई गाड़ी है। टोटल पेपर कंप्लीट है इसका, टोटल पेपर कंप्लीट है, 42,000 किलोमीटर चला हुआ है, 42,000 किलोमीटर गाड़ी है। 18 मॉडल टाटा एसी मेगा एक्सेल, मतलब इससे थोड़ी सी ऊंची है, उससे थोड़ी कम है, बीच की है, मतलब आप देख भी सकते हो। और BR10 भागलपुर का ही है, मतलब बिहार का ही नंबर है। और ये रहा साइड प्रोफाइल, बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पे टायर वगैरह की भी कंडीशन। और रही बात अगर इस ओर से देखने की कार को, तो आप इधर से भी देख सकते हैं। बाकी हम लोग आते हैं पीछे से देख लेते हैं इसका डाला कैसा आपको देखने को मिलेगा, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो कंडीशन भैया इस पे अभी आप पेंट वेंट कराएंगे या फिर ऐसी? नहीं, ये इसमें कराने का जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सही है? सही है। अच्छा, सही है, आप देख भी सकते हैं। बाकी कलर बस वैसा है ना भैया? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अगर इसका कलर भी तो ब्लैक कलर का है, इसी वजह से डाला को भी सेम कराया गया है ब्लैक कलर का ही।
तो आप देख सकते हैं। बाकी इसके बाजू में भी यार टाटा एसी लगी हुई है। 2017 मॉडल गाड़ी है। अच्छा 2017 का मॉडल है, दरभंगा नंबर गाड़ी है। ठीक है, प्राइस है 2,40,000। 2,40,000 2017 का मॉडल है। बिल्कुल 2017 का मॉडल है, BR07 दरभंगा नंबर है ये। और ये रहा साइड प्रोफाइल, और आपको मैं दिखा दूँ इधर से भी, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो टाटा एसी EX है ये, BR07 दरभंगा का नंबर है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे केबिन वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया है, और टायर की कंडीशन आप देख सकते हो, पीछे वाले भी टायर आप देख लीजिए, तो पीछे से भी हमने दिखा दिया है टायर की भी कंडीशन। तो ये सारा कुछ हमने देख लिया है। क्या आस्किंग कर रहे थे भैया इस वाले का? इसका 2,40,000। 2,40,000। बाकी इसके बाजू में पैसेंजर वाली भी गाड़ी लगी हुई है भैया, थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए। ये 2013 मॉडल टाटा मैजिक है, जैसे कि स्कूल में बच्चों को यूज आता है ढोने में, ले जाने ले आने। बिल्कुल बिल्कुल। इसका प्राइस है 1,60,000। 1,60,000। ठीक है, तो आप देख सकते हो टाटा मैजिक 1,60,000 की यहाँ पे लगी हुई है गोपी कार बाजार में। BR33 भैया नंबर कहाँ का? समस्तीपुर नंबर है। समस्तीपुर नंबर है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर से काफी पास में ही है, और वहीं का ये नंबर भी आप देख सकते हो। बाकी हम लोग देख लेते हैं इसका टायर की कंडीशन। टायर बहुत ही अच्छी है, ब्रांड न्यू कंडीशन की आप टायर देख सकते हैं। बाकी आपको साइड प्रोफाइल से मैं दिखा दूँ कंडीशन वाइज, पीछे वाली टायर भी आप देख सकते हो। पीछे वाली टायर मतलब उतनी ब्रांड न्यू कंडीशन की नहीं है, बाकी पीछे से आपके सामने है BR33, जैसा भैया ने हमें ऑलरेडी बता दिया है, समस्तीपुर का नंबर है। बाजू में भैया ओमनी लगी हुई है, ये 2011 मॉडल मारुति ओमनी है। ठीक है, रियल में 28,000 चली हुई है। अच्छा, रियल में 28,000। पटना नंबर गाड़ी है। ठीक है भैया, 1,50,000 प्राइस है। 1,50,000 रुपये है ना, 1,50,000 रुपये में 28,000 किलोमीटर चला हुआ है। ऑनर फर्स्ट आएगा? ऑनर फर्स्ट। ठीक है, ऑनर फर्स्ट आएगा, 2011 का है ओमनी ई। भैया क्या क्या मिल जाता है हमें, पावर स्टीयरिंग वगैरह? पावर स्टीयरिंग इसमें नहीं है। पावर स्टीयरिंग नहीं है, पावर स्टीयरिंग पावर विंडो नहीं आएगा नहीं। बिल्कुल मैनुअल है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन पे है, आप देख सकते हो। बाकी आपको दिखा दो सामने से भी आप देख सकते हैं, तो ये वाला आपको मिल जाएगा 1,50,000 रुपये में। आने पे थोड़ा बहुत कम करा लीजिएगा। इसके बाजू में एक और टाटा एसी लगी हुई है, तो भैया इसका क्या डिटेल रहने वाला है? ये 2011 मॉडल टाटा एसी है, टोटल पेपर कंप्लीट है। ठीक है, लखीसराय का नंबर है। इसका प्राइस है मात्र 1,25,000। 1,25,000। ठीक है, तो आप देख सकते हो टाटा एसी 1,25,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। और सामने से अगर आप देखिएगा तो BR53 लखीसराय का नंबर है, और ये रहा साइड प्रोफाइल गाड़ी का, तो आप देख सकते हो। तो इसका क्या रेट आपने बताया था? मात्र 1,25,000। उसमें थोड़ा बहुत हो जाएगा, हो जाएगा आने पे। ठीक है, तो ये तो हमने भैया कमर्शियल नंबर दिखा दिया है। अगली कौन सी रखी जाए? प्राइवेट सेगमेंट है, प्राइवेट सेगमेंट पे आते हैं। ठीक है भैया, तो बोलेरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। ये 2015 मॉडल बोलेरो DIAC है। ठीक है, बोलेरो DIAC। अच्छा, DIAC है ये, 2015 का पूर्णिया नंबर गाड़ी है। ठीक है, 2015 मॉडल है, 5,00,000 रुपये प्राइस है इसका। 5,00,000 रुपये, वेल मेंटेन गाड़ी है। ठीक है, तो वेल मेंटेन है, 2015 का है ये, और DI में AC है ये। DI ऐसे नॉर्मली आता था उसमें AC नहीं रहता, इसमें AC भी आपको मिलेगा। पीछे से अगर बात करें तो क्रोम फिटिंग वगैरह सारा कुछ है। टायर अगर आप देखना चाहें तो टायर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और आगे वाले टायर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपके सामने है। और ये रहा फ्रंट प्रोफाइल, तो 2015 का मॉडल है, बोलेरो DIAC है। कितना चला हुआ है भैया? गाड़ी चला हुआ है 62,000 किलोमीटर। कंपनी टायर, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर, और कंपनी की टायर है? कंपनी टायर। ठीक है, 62,000 किलोमीटर चला और कंपनी वाली टायर आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपने प्राइस सुन लिया है, ड्रोवाइजर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो भैया हमारी प्राइवेट में पहली कार थी, अगले पे हम लोग, और ये दूसरी है 2012 मॉडल बोलेरो SLX। ठीक है, फुल कंडीशन में गाड़ी है, प्राइवेट नंबर, पूर्णिया नंबर गाड़ी है। बिल्कुल, इसका प्राइस है 3,75,000। 3,75,000 में भी आपको मुजफ्फरपुर में बोलेरो मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते हैं तो। पूर्णिया का नंबर है, BR11। कलर थोड़ा सा अलग है, एकदम लाइट ग्रीन जो कहते हैं वो वाला कलर आपको मिल जाएगा। टायर की अगर हम लोग बात करें तो टायर आप देख सकते हो MRF का टायर है। पीछे से आप देख सकते हैं ऑनर फर्स्ट भैया, फर्स्ट ऑनर, फर्स्ट ऑनर। किसी तरह का कोई काम, कोई काम नहीं है, बिल्कुल पेपर वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का। कितना चला हुआ भैया? चला हुआ होगा 80,000 के आसपास। 80,000 के आसपास। ठीक है, तो 80,000 के आसपास में मात्र चली हुई है, तो अच्छे। अच्छा भैया, बोलेरो भैया कितना तक चलता है आराम से? 5,00,000 किलोमीटर जाता है। अच्छा डीजल डालिएगा, फूल पट्टी चेकअप कराते रहिएगा। ठीक है, 5,00,000 किलोमीटर 5,00,000 किलोमीटर एकदम ठीक है, आराम से उतना तक जाता है। आगे भी भैया बोलेरो की रेल लगी हुई है। 17 मॉडल DIAC है। ठीक है, इसका प्राइस है 5,80,000। 5,80,000 2017 मॉडल DIAC और नंबर की बात करें तो यहाँ दरभंगा का नंबर
बिल्कुल, कितना चला हुआ है भैया? ये गाड़ी चला हुआ है मात्र 44,000 किलोमीटर। 44,000, ठीक है, तो 44,000 चला हुआ है, 50,000 से कम। साइड प्रोफाइल आपके सामने है, क्रोम फिटिंग आपको मिल जाएगा मिरर पे, बाकी आप देख सकते हो पूरा, मैं दिखा दूँ, ओरिजिनल पेंट में है जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये कार, तो ओरिजिनल पेंट में। भैया ये तो ओरिजिनल पेंट में है ना? हाँ ओरिजिनल पेंट में। बिल्कुल, तो ओरिजिनल पेंट में यहाँ पे लगा हुआ है 2017 का बुलेरो DI AC, कितना आपने बताया भैया? 5,80,000। 5,80,000, ठीक है। आगे हमारी लगी हुई है भैया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में भैया S4 है। अच्छा स्कॉर्पियो S4, हाँ S4 है। इसका प्राइस है 7,50,000। 7,50,000 स्कॉर्पियो S4 है, आप देख सकते हो यहाँ पे। कितना चला हुआ है भैया? ये चला हुआ है 70,000 किलोमीटर के आसपास। 70,000 के आसपास चला हुआ है, ठीक है, तो 70,000 किलोमीटर के आसपास में चला हुआ है स्कॉर्पियो S4 2015 का मॉडल है। ऑनरशिप भैया फर्स्ट है? फर्स्ट ऑनर, ठीक है, फर्स्ट ऑनर है। बाकी यहाँ पे ड्राइवर आप देख ही सकते हो पीछे से, अगर हम लोग बात करें स्कॉर्पियो S4 और BR11 पूर्णिया नंबर है। क्या आस्किंग कर रहे हैं भैया इसका? 7,50,000। 7,50,000 में काम हम करा के देंगे, काम हम सब कुछ करा के, मतलब ये जो स्क्रैचेस है भैया ये सब कुछ करा के, ठीक है, तो सारा काम हम करा के आपको मिल जाएगा 7,50,000 रुपये में। दो बुलेरो भैया और हमारे स्टॉक में यहाँ पे लगी हुई, ये 2016 मॉडल DI AC। 2016 का मॉडल DI AC, कितना चला हुआ है? 70,000 के आसपास। ऑनर फर्स्ट? फर्स्ट ऑनर गाड़ी, ठीक है भैया। क्या आस्किंग कर रहे हैं? 5,25,000। 5,25,000 आप देख सकते हो यहाँ पे बुलेरो, और हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा नंबर वगैरह, तो BR10 भागलपुर का नंबर है। बिल्कुल, और आप देखिए कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ, टायर पे आते हैं पहले, टायर की कंडीशन आप देख सकते हो। बाकी अगर पिछली टायर की बात करें तो पिछली भी टायर C8 की है, कंडीशन वाइज ये भी अच्छी है, और ये रहा बैक प्रोफाइल। तो भैया ये तो अभी हमने दिखाया, कौन सा साल का था ये? ये 16 का था। 16 का था, अगले पे बताइए। 2014 का DI AC है, ठीक है। 4,50,000 प्राइस है। 4,50,000, कितना चला हुआ है? चला हुआ है 70,000 के आसपास। 70,000 के आसपास, ठीक है, 70,000 के आसपास में चला हुआ है। आप देख लीजिए, भैया ने डिटेल दे दिया है हमें, बाकी आपको कंडीशन में दिखा दो। BR10 अगेन, ये भी भागलपुर का नंबर है। टायर आप देखिए कंडीशन बहुत ही अच्छी है, JK की टायर डली हुई है, और ये रहा साइड प्रोफाइल। तो स्क्रैचेस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी क्रोम फिटिंग यहाँ पे ड्रोवाइजर तीनों ही ग्लास पे लगा हुआ है, और पीछे से अगर बात करें तो पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाड़ी को आप चारों ओर से देख के संतुष्ट हो लीजिए, तब अगर आपको पसंद आया तो यहाँ से आप लेकर जाइए। तो ये बात हो गई हमारी बुलेरो, आप देख सकते हो। तो अगली गाड़ी की हम लोग बात करते हैं भैया। अभी हमने दिखाया बस बड़ी कार हम लोग आज देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये मारुति विटारा ब्रेजा है 2017 मॉडल। विटारा ब्रेजा 2017 का मॉडल है। 6,25,000 प्राइस है इसका, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ठीक है। बांका का रजिस्ट्रेशन है इसका, बांका का है ये, ठीक है। BR51 बांका रजिस्ट्रेशन है। कितना चला हुआ है भैया? चला हुआ है गाड़ी अप्रोक्स 65,000 किलोमीटर चला हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर वगैरह सारा कुछ आप देख लीजिए, टायर भी आप देख सकते हो भैया। ये कौन सा है ब्रेजा में? VDI है, डीजल में आई है। क्या माइलेज निकाल देती है भैया? 18 के आसपास का माइलेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्रोम फिटिंग आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे क्रोम का स्ट्राइप भी लगा हुआ है पीछे से आप देख सकते हो। तो बाका रजिस्ट्रेशन है, VDI डीजल वेरियंट में है ये कार। टायर आप देख सकते हैं, तो ये बात होगी हमारी ब्रेजा की भैया। अगली है स्विफ्ट डिजायर 2018 मॉडल है। 2018 का मॉडल है, कौन सा है भैया ये? 18 का VXI है, VXI पेट्रोल में, पेट्रोल है, ठीक है भैया। कितना? 6,00,000 रुपये प्राइस है। 6,00,000 रुपये 2018 का है, 6,00,000 रुपये प्राइस है। कितना चला हुआ है? किलोमीटर चला हुआ 40,000 किलोमीटर। 40,000, ठीक है, 40,000 किलोमीटर चला हुआ है। VXI पेट्रोल वेरियंट, क्रोम फिटिंग आप देख सकते हो, ड्रोवाइजर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और फ्रंट प्रोफाइल पर हम लोग आते हैं तो देख के पता चल जाता है हमें, ये न्यू शेप वाली है डिजायर, जो इससे पहले आती थी उसका शेप अलग था, ये न्यू शेप है। बाकी टायर हम लोग देख ले, टायर की कंडीशन आप देख लीजिए। तो रेट भैया ने बता दिया हुआ है 6,00,000 रुपये, आइएगा थोड़ा बहुत आप कम करा लीजिएगा। तो ये बात हो गई स्विफ्ट डिजायर VXI की। अभी दो ऐसी व्हीकल आपको मैं दिखाने वाला हूँ जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे तो मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर भी लगी हुई है, वो भी एक नहीं दो लगी हुई है आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था आप लोगों का कि ट्रैक्टर दिखाइए, वो भी बिहार में और वो भी मुजफ्फरपुर में। तो आप देख सकते हो यहाँ लगा हुआ है, डिटेल अभी हम लोग ले लेते हैं भैया से। भैया अभी हमने कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ी दिखा दी है, दो यहाँ पे ट्रैक्टर भी लगा, एग्रीकल्चर है, ठीक है। 2013 मॉडल पावरटेक 434 है। 434 पावरटेक 2013 का मॉडल है। 2,75,000 प्राइस है, चारों टायर गाड़ी में नया लगा है। 2,75,000 की डिमांड है। टायर पहले हम लोग देख लेंगे, तो टायर की कंडीशन आप देखिए, तो ये पहली टायर आप इधर से भी देख लीजिए, दूसरी टायर भी मतलब कंडीशन वाइज अच्छी है, और पीछे की अगर हम लोग टायर की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो। तो ट्रैक्टर की कंडीशन भी आप देख लीजिए चारों ओर से। रेट भैया ने बता दिया है, आइएगा तो थोड़ा बहुत आप कम करा लीजिएगा।
तो ये बात हो गई पहली ट्रैक्टर की। भैया अगले पे हम लोग आ जाते हैं, इसके बारे में 2016 मॉडल पावरटेक 45 है, 2016 मॉडल पावरटेक 45 है, उसका प्राइस है 3,75,000 2016 का मॉडल है। और पावर ट्रैक वो है, आप देख सकते हो यहाँ पे 45 पावर ट्रैक 45, और सामने से आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन, आप पहले देख लीजिए और चारों ओर से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो पीछे वाली टायर की बात करें तो अभी अच्छे कंडीशन की टायर है, पीछे से बॉडी आप देख सकते हो। बाकी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से भी आप कंडीशन वगैरह सब कुछ देख सकते हो। तो आपको हर एक तरह की गाड़ी यहाँ पे दिखा दी गई है मुजफ्फरपुर, यहाँ पे गोपी कार बाजार में। भैया एक बार फाइनेंस के बारे में बता दीजिए। फाइनेंस हो जाता है, कस्टमर का सिविल अच्छा होना चाहिए। पूरे बिहार में फाइनेंस होता है, पूरे बिहार में फाइनेंस हो जाता है, बिहार में फाइनेंस होता है। कितना परसेंट डाउन पेमेंट होगी? 30-40% मानिए ना, ठीक है। तो ये तो फाइनेंस के बारे में मैंने आपके लिए पूछ लिया है। हर एक गाड़ी पे हो जाती है भैया? सब गाड़ी पे हो जाती है, सारी गाड़ी, ट्रैक्टर छोड़ के बाकी सारी गाड़ी पे हो जाती है। एक बार बता दीजिए गोपी कार बाजार हमारे मुजफ्फरपुर में कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर से जो NH 28 गया है बरौनी, उसी में है, सीहो चौक के पास। सीहो चौक के पास, ठीक है। मुजफ्फरपुर से जो समस्तीपुर जाती है वहाँ पे सीहो चौक के पास NH 28, बिल्कुल। बाकी काफी लोग तो जान भी गए भैया, बिल्कुल। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से इंक्वायरी दी आपने। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे लगे आपको हमारी ये वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपने भाई को बता सकते हो कि कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, और कमेंट ये भी कर देना कि कैसा लगा आपको गोपी कार बाजार का स्टॉक। आपने देखा ही कि आपको बहुत सारे पिकअप हमने दिखा दिए है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका भाई का एफर्ट अच्छा लगा हो कि मुजफ्फरपुर आकर आपके भाई ने यहाँ तक वीडियो बनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जाना, उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इतनी कड़ाके की भी ठंड में आपके लिए वीडियो आते रहेगी। तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।